वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और आज मेरा एक ऑर्डर आया है अमेज़ॉन से, जो कि मैंने एक लगभग एक हफ़्ता पहले ऑर्डर किया था। और वो क्या प्रोडक्ट है, उसका कैसे यूज़ होगा, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं शेयर करूँगी इसकी अनबॉक्सिंग। और ये जो प्रोडक्ट है, इसमें ना खाना बहुत हेल्दी बनता है, तो वो रेसिपी भी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की। तो ये है स्टीमर, इसमें खाना बनता है। और कोई भी खाना आप स्टीम करके खाते हो तो वो हेल्दी भी बहुत होता है, नॉन ऑयली होता है। तो ये मैं पूरा खोल के आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरा इसका डब्बा है और ये मैंने मंगवाया है इसलिए मेरे को अच्छा लगा है ये। ये सिर्फ मैं जो स्टीम करके है ना सब्जी वगैरह बनाती हूँ या जो भी फूड में बनाती हूँ, स्टीम करके बनाने में कई बार मैं पकोड़े भी स्टीम में बना लेती हूँ, तो वो बहुत हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, नॉन ऑयली होते हैं। तो खाली मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि होता है ना कभी जैसे किसी को ना भी पता हो, जैसे मेरे को पहले पता नहीं था, तो ये प्रोडक्ट मैंने एक अचानक अमेज़ॉन पे देखा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो आप ये मत सोचना कि ये किसी का काम मैं विज्ञापन कर रही हूँ। तो ये खाली मैं यूज़ करने के लिए आपको भी बोलूँगी कि आप लोग भी इसे यूज़ करो, स्टीम में पकाओ खाना तो बहुत हेल्दी होता है। कभी कभी तो रिच खाना चलता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट डेली अगर रिच खाना खाओगे तो पता ही है कि जो है बैड फैट है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो स्टीम करके चीज़ें खा सकते हो। तो ये इसकी लिड है। और एक ये ऐसे है, एक ये चीज़ है, इसमें पूरे में ये बारीक बारीक सुराग है। और जो ये चीज़ है ये ऐसे है। और ये ना नीचे जो इसका तला है ना वो बहुत मोटा है। आप इसको वैसे भी किसी कोई जैसे कोई भी फूड बनाते हो ना, दूध गर्म करते हो या कोई ग्रेवी वाली जो सब्जी वगैरह बनाते हो या चावल वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए भी ये यूज़ के लिए परफेक्ट है। क्योंकि ये जो इसका है ना, ये जो तला जो होता है ये बहुत मोटा है, इसमें ना फूड जलेगा नहीं, जैसे नीचे चिपक जाता है ना स्टील में तो वो लगेगा नहीं। और ये प्योर स्टेनलेस स्टील का है। तो इसमें देखती हूँ, और ये ऐसे रखा जाएगा, इसमें नीचे जो है पानी डलेगा और इसमें आप कोई भी सब्जी आप डाल लो और उसके ऊपर आप यहाँ डाल सकते हो और इसकी लिड लगा सकते हो ऐसे। तो ये गैस पे रख के धीमी धीमी आँच में ना स्टीम में जो खाना पकेगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी होता है। तो ये स्टीमर है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखो, ये हम किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपने पास सॉस पैन वगैरह हो, कुछ कुछ भी हो, तो वो उसमें हम इस लिड को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और क्वालिटी वाइज़ ये भी बहुत बढ़िया है, मज़बूत है।
इसमें आप सब्जियां वगैरह भी धो सकते हो, सब्जी धोने के काम भी ले सकते हो इसको। और ये तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में। इसमें तो खीर वगैरह बनानी हो तो वो भी बना सकते हो, काफ़ी बड़ा है ये। तो ये मेरा स्टीमर है, जो कि मैं पहले तो मैं वैसे स्टीम करती थी, जैसे पकोड़े वगैरह बनाने हो या कोई सब्जी हो, वैसे पतीले में पानी डाला और उसके ऊपर छलनी रखी, तब मैं स्टीम करती थी। पर अब ये मेरे पास प्रॉपर एक स्टीमर आ गया है, जो कि आई एम सो हैप्पी। और मैं इसमें है ना, जब भी खाना बनाऊंगी ना, तब वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और सच में स्टीम वाला जो खाना होता है ना, बहुत हेल्दी होता है, टेस्ट के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। तो आप उसको बना के देखना और खा के देखना। तो चलिए, ये एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और उम्मीद करूँगी ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और अच्छी लगे तो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, देख देख के मत जाया करो। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी नई वीडियो के साथ, नई कंटेंट के साथ। ओके, टिल देन, बाय बाय।